नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और एक बार फिर से आपका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल जैविक वाटिका में। और ये सुंदर सा देखिए पौधा देख रहे हैं आप, और इसके ऊपर कुछ बूंदे आपको नजर आ रही होंगी। इधर भी देखिए, ये पॉपी का है और इसके ऊपर भी आपको बूंदे नजर आ रही होंगी। ये देखिए, ये कितनी सुंदर भी लग रही हैं, और सुंदर के साथ साथ ये बूंदे जो हैं वो बारिश की हैं। रात बारिश आई थी, और आप सबको पता ही होगा कि इधर हमारी तरफ ये उत्तराखंड साइड में, यूपी में कहीं कहीं जगह पर जो गूगल महाराज हैं उन्होंने बारिश की चेतावनी 2 दिन की दी हुई है। तो ये रात में बारिश आई, और रात में बारिश आने के बाद कुछ हाल हमारा ख़राब हो गया है गार्डन का। ये इंतजाम भी हमने कुछ किए थे, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये हमने इस तरह से एक पन्ना डाला था जितने भी हमारे फ्लावर के प्लांट हैं। ये देखिए, सबको इनको पहले इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद इनके ऊपर एक पन्ना डाला। हालांकि पन्ना डालने के बाद भी कुछ फूल इसमें से टूट गए हैं, और ये देखिए, ये सुंदर से फूल भी पन्ने के दबाव में टूट गए, और कुछ इधर भी ये देखिए आप, हालांकि ये टूटे नहीं है, हल्के से मुरझाए हैं। तो आज की वीडियो मेरा बनाने के पीछे मोटिव है कि अचानक से जैसे बरसात आ जाती है, और ये बेमौसम की बरसात है, और ये जो समय अभी चल रहा है गार्डन में फ्लावर्स होते हैं, तो अगर बरसात उन पर लगती है तो वो ख़राब हो जाते हैं। और बाकी क्या क्या हमने सावधानियां करनी हैं बरसात से, हमने अचानक जो बरसात आती है उससे क्या क्या अपने किस तरह से पौधों को बचाना है, और किस तरह से उनका ध्यान रखना है, क्योंकि पौधे भी आप सब जानते हैं छोटे बच्चों की तरह होते हैं। अगर उनका खास ख्याल हम नहीं रखते, उनको खास तरह का ट्रीटमेंट नहीं देते, तो उनकी भी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। जल्दी से ही उनमें भी कुछ ना कुछ सर्दी जुकाम लग जाता है। तो इसी वजह से हमने जो हमारे पौधे थे इनके ऊपर पॉलीथीन डालकर बचाने की कोशिश की है। और ये आप देख सकते हैं, मेरे जो पिटूनिया की लास्ट वीडियो आपने देखी थी, उसमें जितने भी पौधे मैंने दिखाए थे उन सभी को हमने कोशिश की है कवर करने की कि वो ख़राब ना हो, क्योंकि बरसात के कारण कई तरह के नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो यही होता है कि जो फूल होते हैं वो पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो सारे ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद जो नुकसान होता है कि जैसे पिटूनिया हमारा हो गया, तो पिटूनिया में अगर इसमें ज़्यादा पानी ठहर जाता है, वैसे हमने कल ही पानी दिया था, ये मिट्टी आप देख भी सकते हैं थोड़ी सी गीली भी है, अगर ये ज़्यादा इसमें पानी ठहर जाता है तो इसमें क्या है, फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और ये पौधा जो है वो ज़्यादा मॉइस्चर जो बर्दाश्त नहीं करता, तो इस वजह से पौधा डेड हो जाता है हमारा। तो इसी वजह से हमने इन सारे पौधों को कवर किया था, और मैं नीचे दिखाता हूँ, हमने नीचे भी कुछ पौधे रखे हुए हैं। ये मेरे स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं, और इन पर फ्रूटिंग अभी शुरू हो गई है, आप फ्लावरिंग देख ही सकते हैं, इधर फ्रूटिंग भी देखिए। तो इनको भी हमने नीचे छुपा के रखा है कि इनको भी बारिश से बचाया जा सके। ये देखिए, कुछ एक ऐसे ये भी बचाया था हमने, रात बारिश आई उससे ये ढक दिया था हमने इसके ऊपर। बाकी जेरेनियम के प्लांट आपने ये देखिए, इधर मैंने ये ऊपर शेड है, शेड में नीचे रखे हुए हैं, इनके ऊपर एक वीडियो आने वाली है आजकल में ही, कल या परसों में आ जाएगी, बहुत ही सुंदर वीडियो है, उसको ज़रूर देखना आप। तो हम बात कर रहे थे कि बारिश से कैसे बचाया जाए। सबसे पहले तो क्या करना है, अगर आपके पास ऐसा कोई जगह है जहाँ पर ऊपर से डायरेक्ट बारिश ना लगे, तो वहाँ पर अपने सबसे पहले तो जो सकुलेंट्स हैं और कैक्टस हैं उनको सबसे पहले इस तरह से प्लेस करिए, क्योंकि ये क्या है, इनको मॉइस्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और पानी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इनको बारिश से बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जितने भी फ्लावर आप प्लांट आपके हैं उनको शेड में कर दीजिए, अगर शेड नहीं हो पाती तो कुछ ऊपर से ढकने की व्यवस्था कुछ कर दीजिए।
तीसरा, अगर ज़्यादा बारिश होने के चांसेस लग रहे हैं आपको, संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो अगर किसी गमले में पानी ठहर जाता है तो उसको भी आप तुरंत निकालने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए हमें, ताकि वो पौधे में ज़्यादा पानी न रह सके। और जिस तरह से देखिए, हमने अभी कुछ दिन पहले धनिया बोया था, तो अब क्या हुआ कि अगर ज़्यादा बारिश इसके ऊपर पानी ज़्यादा ठहर जाए तो ये पूरा गल जाएगा। तो ऐसे अगर कुछ आपने अभी ताज़ा ताज़ा बोया हुआ है, उसको प्रॉपर उसका ख्याल रखें और उसको भी ढकने की कोशिश की जाए। और इधर ये गेंदे के कुछ पौधे आप देख रहे हैं, ये गेंदे के पौधे हमारे ज़्यादा वजन की वजह से, क्योंकि इन पर फ्लावरिंग तो आप देख ही सकते हैं कितनी आई हुई है, और जिसमें पानी रुकने की वजह से, या कहिए कि ये इसकी जो स्टेम है उसमें ज़्यादा वजन पड़ने की वजह से ये सहन नहीं कर पाया लोड, और ये पेड़ हमारा टूट गया है। इधर एक पौधा और है जो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, वो टूटा नहीं है, हालांकि बाकी एक उधर मेरा एक पौधा और है जो गिरा हुआ है, वो भी टूट गया है बारिश की वजह से। काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको कुछ नुकसान होता है आपके गार्डन में, तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम लगातार मेहनत करते रहते हैं और वो सारी मेहनत जो है पल भर में बर्बाद हो जाती है। हालांकि सर्दी गर्मी बरसात ये सब पार्ट है और ये होने भी ज़रूरी है। तो यही केयर टिप कुछ आपने रखनी है। देखिए, जैसे मैंने पैंजी के पौधे थे ये नीचे रखे हुए हैं सारे पौधे, इनको बचाने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा बारिश में बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, ये देखिए इस तरह से। और मैं आपको जो सैकुलेंट्स की बात कर रहा था, वो सैकुलेंट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर ये सारे सैकुलेंट्स मैंने ऐसे नीचे बचाए हुए हैं इनको, ये देखिए, क्योंकि जहाँ पर मैं अभी सैकुलेंट्स दिखा रहा था वहाँ पर जगह थोड़ी कम थी, तो हमने इनको नीचे प्लेस कर दिया है यहाँ पर, ताकि इनके ऊपर बारिश ना लगे। और ये वो पौधा है जो टूट गया है हमारा गेंदे का, और इस पर आप गेंदे तो देख ही सकते हैं कितने हैं, सैकड़ों की तादाद में इस पर गेंदे आए हुए हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही ये काम हम करते रहते हैं और जोश हमारे अंदर भरा रहता है। कुछ मेरे बंधु जो हैं वो वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और ये कि मेरा फ्लावर आप देखिए, ये है आबरा का डाबरा, ये देखिए, इसे टाइगर रोज कहते हैं, और ये इसी बार मैंने बाई किया है, और इसके जो कलर हैं, पैटर्न हैं, वो कितने अद्भुत हैं, वो आप देख कर अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने। तो आगे भी इस पर जो फ्लावरिंग होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पर कितने और फूल खिल रहे हैं। बाकी एक वीडियो में मैंने आपको लास्ट गुच्छे दिखाए थे मेरे रोज़ के, ये भी अलग ही वैरायटी का रोज़ है। जितने मेरे पास जो रोज़ के प्लांट हैं वो कुछ ना कुछ उनमें अलग ही है, मतलब कॉमन वाले प्लांट मेरे पास नहीं है। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में आपको नए टॉपिक पर। अपना ख्याल रखिएगा, और अभी बारिश जो है वो 2 दिन की और बताई है गूगल महाराज ने, तो 2 दिन के लिए केयर हमने और करनी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।